दिल्ली में केजरीवाल करने जा रहे चमत्कार। संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के लिए अभियान शुरू कर दिया। पार्टी ने इसके लिए संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल स्लोगन जारी किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान व चारों उम्मीदवार मौजूद रहे। इस मौके पर केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन के 7 उम्मीदवारों को जिताने की अपील करते हुए कहा कि वे अकेले उपराज्यपाल व केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं। दिल्ली में भाजपा, उपराज्यपाल व केंद्र सरकार उनके सभी काम रोकने की कोशिश करते हैं। ये दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से नफरत करते हैं। 3 बार यहाँ आपकी सरकार बनने से ऐसा किया जा रहा है। 6-7 साल पहले जब वह मोहल्ला क्लिनिक बना रहे थे तो भाजपा शासित MCD ने इसे तोड़ दिया था। जब CCTV कैमरे लगाने चालू किए तो उपराज्यपाल ने फाइल रोक दी। इसके लिए उपराज्यपाल के घर में 10 दिन तक धरना देना पड़ा था। इसके बाद फाइल मंजूर हुई, मोहल्ला क्लिनिक की बिजली काट दी, किराया व दवाइयां रोक कर जांच भी बंद कर दी। आप सरकार हर घर को राशन देना चाहती थी लेकिन इसकी भी फाइल रोक ली गई। योग की कक्षाएं बंद कर दी गई। सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को बचाने के लिए लागू योजना फरिश्ते रोकी गई। इसके लिए अदालत तक जाना पड़ा। इतना निर्दयी कौन हो सकता है जो गरीबों का इलाज बंद कर दे। जब ये सब हो रहा था तब 7 सांसद तालियां बजा रहे थे। जब संसद में अध्यादेश पास कर दिल्ली के लोगों का हक छीना जा रहा था तब ये 7 सांसद कहां थे। LG के पास जाकर सांसद आपके काम रुकवाते हैं। जिस तरह दिल्ली विधानसभा में 2 बार 70 में से 67 व 62 सीटें देकर जिताया, वैसे ही लोकसभा चुनाव में भी वोट दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में महिला सम्मान योजना के तहत 1,000 रुपए देने की घोषणा से महिलाएं बहुत खुश हैं। महिलाओं को यकीन नहीं हो रहा, ये कोई वादा नहीं, विधानसभा में योजना पास हो गई है। भगवंत मान ने कहा कि नफरत की नहीं, आप केवल काम की राजनीति करती है। तभी दिल्ली की जनता ने केजरीवाल और आपको 2 बार प्रचंड बहुमत दिया। केजरीवाल दिल्ली वालों के लिए अकेले लड़ रहे हैं। अगर आप दिल्ली की 7 सांसद आम आदमी पार्टी को देते हैं तो केजरीवाल को 7 हाथ और मिल जाएंगे। पंजाब के लोग आपको सभी 13 सीटें देने जा रहे हैं। राज्यसभा में 10 सांसद पहले से हैं। चुनाव बाद दोनों सदनों में आपकी ताकत 30-40 तक पहुंच जाएगी। इतने सांसद इकट्ठे होकर दिल्ली के लोगों के हक की लड़ाई लड़ेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि दिल्ली और पंजाब का कोई काम रोक सके। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।